और आगे बढ़ेंगे। आज से श्रीनगर में G20 देशों के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक की शुरुआत होगी। पूरे कश्मीर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक ले G20 के प्रतिनिधि श्रीनगर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और इससे पहले पाकिस्तान की खतरनाक साजिश का भी खुलासा हुआ है और इस पर सारी लगातार अपडेट आपको हम बता रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। और किस तरह से सुरक्षा के जो बंदोबस्त किए गए हैं उसे लेकर जो हाई अलर्ट किया गया है, क्या पूरी व्यवस्था है, आप देखिए रिपोर्ट। G20 बैठक से पहले ही पूरे कश्मीर को अभेद किले में बदल दिया गया है। NSG और मार्कोस कमांडो फ्रंट फुट में तैनात किए गए हैं। वहीं डल झील के आसपास सुरक्षा की जिम्मेदारी CRPF को दी गई है। G20 की बैठक से पहले पाकिस्तान से G20 के खिलाफ प्रोपेगेंडा को ट्रेंड कराने की कोशिश की गई है। संदिग्ध हैशटैग की पहचान की गई तो पाया गया कि 100 से ज्यादा फेक प्रोफाइल बनाए गए थे। करीब 500 संदिग्ध मोबाइल नंबरों की भी पहचान की गई है। इससे पहले NIA ने कश्मीर के कुपवाड़ा से मोहम्मद उबाद मलिक नाम के जैश आतंकी को गिरफ्तार किया है। ये पाकिस्तान में बैठे आतंकी को भारतीय सुरक्षा बलों की मूवमेंट की जानकारी दे रहा था। सुरक्षा और आतंकी हमले की आशंका के चलते G20 मेहमानों का गुलमर्ग दौरा रद्द कर दिया गया है। श्रीनगर को विवादित क्षेत्र बताते हुए चीन ने बैठक में आने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा तुर्की और सऊदी अरब भी G20 की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। तो G20 की बैठक में शामिल होने आज आ रहे विदेशी मेहमानों के स्वागत की खास तैयारी की गई है। प्रदर्शनी से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम तक आयोजित होंगे और वहीं घाटी के कारीगरों और शिल्पकारों को भी इस दौरान बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे वो अपने प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुना सकते हैं। G20 सम्मेलन में शामिल होने वाले मेहमानों के सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोकगीत और लोक नृत्य होंगे जिसकी तैयारियों की तस्वीरें सामने आई हैं। कश्मीर घाटी में हस्तशिल्प विभाग ने श्रीनगर में G20 बैठक स्थल पर एक प्रदर्शनी लगाई है। सरकार का कहना है कि ये घाटी के कारीगरों और शिल्पकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका है। ये टूरिज्म के साथ भी रिलेटेड है तो मुझे लगता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि कश्मीरी आर्टिजन जो है उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से जो ये G20 का इवेंट हो रहा है। कुल मिलाकर इस बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए इसे फायदेमंद समझा जा रहा है। श्रीनगर में आज दोपहर 3 बजे G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। इसमें फिल्म टूरिज्म से जुड़े मामलों पर विचार होगा। फिल्म अभिनेता के रामचरण भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। आज एक पैनल डिस्कशन भी होगा। वहीं G20 की बैठक से पाकिस्तान बहुत परेशान है। वो लगातार भारत के खिलाफ साजिश रचने में लगा हुआ है। कश्मीर में सैकड़ों फर्जी हैशटैग प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए सक्रिय किए गए, साथ ही कई संदिग्ध मोबाइल नंबरों की भी पहचान की गई है। श्रीनगर में G20 की बैठक को लेकर पाकिस्तान बुरी तरह से तिलमिला गया। पाकिस्तान लगातार साजिश करके भारत को बदनाम करने में लगा हुआ है। खुफिया एजेंसीज के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में 100 से भी ज्यादा फर्जी हैशटैग प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए सक्रिय किए गए हैं। करीब 500 संदिग्ध मोबाइल नंबर्स की भी पहचान की गई है जिनको पाकिस्तान ने खास इसी प्रोपेगेंडा प्लान के लिए बनाया है। इनसे भारत में या तो व्हाट्सएप मैसेज आते हैं या फिर लोगों के पास गुमनाम कॉल आती है। सूत्रों के मुताबिक G20 बैठक और भारत सरकार का विरोध करने के लिए पाकिस्तान से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। श्रीनगर के कुछ इलाकों में पोस्टर लगाने की भी साजिश हो रही है जिसका मकसद लोगों को भड़काना है। सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शनों की भी जानकारी दी गई है जिनका मकसद सिर्फ भारत के हितों को नुकसान पहुंचाना है। इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से अपनी सभी दूतावासों को चिट्ठी लिखी गई थी जिसमें भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए अभियान चलाने को कहा गया था। पापुआ न्यू गिनी दौरे पर गए पीएम मोदी का सम्मान किया गया। पलाऊ के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को एपकल अवार्ड से सम्मानित किया और फिजी के सर्वोच्च सम्मान से भी पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। पीएम मोदी अब ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी को कई देश अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। ये सिलसिला अभी भी रुका नहीं है। पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। फिजी ने पीएम मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है। पापुआ न्यू गिनी ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से पीएम मोदी को नवाजा है।
पीएम मोदी द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और 14 प्रशांत द्वीप देशों के बीच एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए अपनी पहली यात्रा पर रविवार को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे। पीएम मोदी तीन देशों के अपने दौरे के दूसरे चरण में 21 मई को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का पैर छूकर उनका स्वागत किया, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। बीती रात पीएम मोदी जब पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो एयरपोर्ट पर नजारा देखने ही लायक था। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो हर किसी के दिल को छू गई। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे खुद एयरपोर्ट पहुंचे और पीएम मोदी के पैर भी छुए। पोर्ट मोरिसबी पहुंचने पर पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत किया गया। यहां आमतौर पर सूरज ढलने के बाद मेहमानों का स्वागत नहीं किया जाता, लेकिन पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे खुद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे। जैसे ही पीएम मोदी एयरपोर्ट पर विमान से उतरे, जेम्स मारापे ने उनके पैर छू लिए, जिसके बाद पीएम मोदी ने मारापे की पीठ थपथपा दी और फिर उन्होंने मारापे को गले लगा लिया। एक व्यक्ति के हाथ में पीएम मोदी का उनकी मां के साथ वाला फोटो था। एक शख्स के हाथ में महात्मा गांधी के साथ पीएम मोदी की तस्वीर दिखी। पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी आज 14 आइलैंड के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी आज फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट में शामिल होंगे। पीएम मोदी आज ही पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और नए गवर्नर सर बॉब डाडे से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी में दुनिया को वन फैमिली वन फ्यूचर का मंत्र दिया। पीएम ने कहा कि भारत पापुआ न्यू गिनी का भरोसेमंद पार्टनर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी दौरे पर प्रशांत महासागर के 14 देशों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। ये वो देश है जो साइज के हिसाब से छोटे हैं, लेकिन सामरिक रूप से इनका बड़ा महत्व है। मोदी ने पापुआ न्यू गिनी दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत गवर्नर जनरल सर बॉब डाडा से मुलाकात के साथ की। गवर्नर हाउस में भी प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। FIPIC के तीसरे शिखर सम्मेलन से पीएम मोदी ने बड़ा संदेश दिया है। कहा कि भारत के लिए पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। वन फैमिली वन फ्यूचर हमारा मूल मंत्र है। हमारी G20 प्रेसिडेंसी की थीम भी वसुधैव कुटुंबकम के उस सिद्धांत के प्रकाश में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वो भी इसी विचारधारा पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पापुआ न्यू गिनी का भरोसेमंद पार्टनर है। हम साथी देश की मदद करते हैं। आगे बढ़ेंगे। 2000 के नोट बदलने पर RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपील की है कि नोट बदलने के लिए कोई जल्दबाजी ना करें। और 4 महीने का पर्याप्त वक्त दिया गया है। नोट बदलने का डेटा भी तैयार किया जाएगा और इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि रोजाना जमा होने वाले 2000 के नोट का डेटा मेंटेन किया जाए। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि आम जनता को काउंटर पर 2000 रुपए के नोट बदलने की सुविधा सामान्य तरीके से दी जाएगी। नोट बदलने के लिए जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। सबको अश्योर करना चाहता हूं कि कोई मतलब कंसर्न की बात नहीं है। RBI के जो करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशंस है, ये इसका एक हिस्सा है। RBI गवर्नर ने साफ किया है कि इस घोषणा को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि 30 सितंबर तक का पर्याप्त वक्त दिया गया है। आराम से भी जब भी वक्त मिले नोट को बदलिए। 30 सितंबर तक आप रिटर्न करिए। 4 महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया गया है। RBI गवर्नर ने कहा है कि 2000 रुपए के नोट बदलने की पूरी तैयारी की गई है। नोट बदलने में आने वाली मुश्किलों को भी RBI लगातार मॉनिटर करता रहेगा। वहीं बिना किसी पहचान पत्र की भी नोट बदलने वाले नियम को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। यूपी के बलिया में आज सुबह गंगा नदी में नाव पलट गई, जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। और एक ही परिवार के लोग निजी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, तभी ये नाव पलटी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आज सुबह एक बड़ा नाव हादसा हुआ है। घटना फेफना थाना क्षेत्र के मालदेपुर घाट की है। एक परिवार के लोग मुंडन संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। सभी लोग एक नाव में सवार होकर जा रहे थे, अचानक ही नाव पलट गई। लोगों की चीख पुकार सुनकर वहां मौजूद लोग मदद के लिए पहुंचे। 10 से ज्यादा लोगों को नदी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई।
तो नाव में जो इंजन लगा हुआ तो उसमें कोई गड़बड़ी आई और तेज हवा चल रही है तो तेज हवा के चलते नाव पलट गई। तत्काल जो लोग थे मौजूद यहाँ पर उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। हादसे की बात करें 25 लोग लापता बताए जा रहे हैं, इनकी तलाश की जा रही है। मौके पर स्थानीय प्रशासन के साथ बचाव दल भी पहुंच गया है। देखिए लगातार हमारे जो कांस्टेबल्स हैं और जो हमारे यहाँ पे मौके पे गोताखोरों को ड्यूटी लगाई गई थी, उनके पास जो उपलब्ध रस्सी ट्यूब वगैरह थी उसकी मदद से जो लोगों को निकाला गया है, अभी बाकी लोगों के लिए सर्च का ऑपरेशन चल रहा है। और वही एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कई दिनों से जान से मारने की धमकी मिल रही है। समीर वानखेड़े का कहना है कि वो मुंबई पुलिस कमिश्नर से इस बात की शिकायत करेंगे। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े मुंबई हाईकोर्ट पहुंचे। वानखेड़े ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनकी पत्नी को पिछले 4 दिनों से धमकी मिल रही है और सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज आ रहे हैं। वानखेड़े ने कहा कि उनकी हत्या करने की धमकी दी जा रही है। इस पूरे मामले की शिकायत वो मुंबई पुलिस कमिश्नर से करेंगे। कंटिन्यूसली 4 दिन से कुछ थ्रेट्स आ रहे हैं जो सीपी साहब के साथ में शेयर करेंगे हम। नहीं मीडिया की कुछ बात नहीं है, बट देयर आर सम सीरियस थ्रेट्स व्हिच आर देयर। हाईकोर्ट में आज सीबीआई और वानखेड़े के वकील अपनी दलीलें रखेंगे। सूत्रों के अनुसार वानखेड़े आज मामले से जुड़े कुछ और चैट्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी साझा करने वाले हैं। आर्यन खान ड्रग्स मामले में सीबीआई ने पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े से पिछले 2 दिनों में करीब 10 घंटे पूछताछ की। वहीं कथित वसूली मामले में सीबीआई मुंबई हाईकोर्ट में आज अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। मुंबई में जमीयत उलेमा चीफ अरशद मदनी ने बजरंग दल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। अरशद मदनी ने कहा है कि कांग्रेस अपनी 70 साल की गलती ठीक करेगी तो उसे दूसरे राज्यों में भी कामयाबी मिलेगी। कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का मुद्दा अब तक शांत नहीं हुआ है। सैयद अरशद मदनी ने रविवार को बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। अगर कांग्रेस इस फिरका परस्ती को लगाम लगा देती उसको कभी ये मौका देखने को न मिलता जहां कांग्रेस आज खड़ी हुई है। मौलाना अरशद मदनी ने आजाद मैदान से मांग की कि कांग्रेस अपना वादा पूरा करे, कर्नाटक में बजरंग दल पर पाबंदी लगाए, तभी लोग भरोसा करेंगे वरना भरोसा टूटेगा। अरशद मदनी ने कहा कि आज देश में मुसलमानों को जीने नहीं दिया जा रहा है, बीजेपी कहती है कि उनके वोट की जरूरत नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने जिस मुल्क के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया है आज उसी मुल्क के अंदर मुसलमान को जीने का हक नहीं दिया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में भारी मात्रा में विदेशी शराब पकड़ी गई और ये शराब जो है तहखाना बनाकर छिपाए रखी गई थी। पटना में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। दरअसल मुखबिर से मिली जानकारी पर पुलिस ने कृपाल टोला इलाके में छापेमारी की। यहां जमीन के अंदर तहखाना बनाकर बड़ी संख्या में विदेशी शराब रखे गए थे। पुलिस ने मौके से करीब 500 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। पुलिस ने अवैध शराब के धंधे में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हम लोग थाना अध्यक्ष सहित छापेमारी किए जिसमें दारू पकड़ाया जिसमें दो शराब कर्मी को गिरफ्तार किया गया। घर के आगे से उसके गौशाला में तो खाना बनाया हुआ था उसी से गिरफ्तारी हुई है जिसमें गाड़ी भी हम लोग लिए। बिहार में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब बनाने और जमा करने का धंधा जोरों पर है। कई बार अवैध शराब पीने से लोगों की मौत हो चुकी है लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा पूरे राज्य से अक्सर शराब बरामद होने और गांवों में अवैध शराब बनाने का सिलसिला जोरों पर है। सऊदी अरब की महिला शोधकर्ता रियाना बरनावी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है। आज ही सऊदी अरब की इस महिला अंतरिक्ष यात्री का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने का अनुमान है। पहली बार सऊदी अरब के पहले अंतरिक्ष यात्रियों की एक चार्टर्ड मल्टीमिलियन डॉलर की उड़ान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर रवाना हुई। स्पेसएक्स ने टिकट होल्डिंग क्रू लॉन्च किया जिसकी अगुवाई नासा के एक रिटायर्ड अंतरिक्ष यात्री ने की। आज ही सभी के अपने कैप्सूल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने का अनुमान है। सभी अंतरिक्ष यात्री 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताएंगे। सऊदी अरब सरकार में एक स्टेम सेल रिसर्चर रियाना बरनावी अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला बन गई है।
जिन्हें रॉयल सऊदी वायुसेना के एक लड़ाकू पायलट अली अलकरनी ने इस क्रू में शामिल कराया था। 1985 में सऊदी राजकुमार शटल डिस्कवरी में अपने देश से रॉकेट की सवारी करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। आज पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को संयुक्त अरब अमीरात एक अंतरिक्ष यात्री स्टेशन में उनका स्वागत करेंगे। सऊदी अरब की बरनावी ने उड़ान से पहले कहा था, ये हर किसी के लिए सपने के सच होने जैसा है, बस ये समझना जरूरी है कि ऐसा होना मुमकिन है। Z News.